यार कौन लग कौन किसका फोन है कहां लग रहा है उठा है ना बज रहा है टेडिंग टेडिंग बोल रहा है कब से हेलो हेलो सर मैं अमित बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी से। अच्छा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। सर वोडाफोन जिसका नंबर आप यूज कर रहे हैं पोस्टपेड प्लान यूज कर रहे हैं आप ऑलरेडी? जी हाँ सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 999 का एक नया प्लान आया हुआ है। तो सर आप वोडाफोन से बोल रहे हैं कि आइडिया से बोल रहे हैं? सर वोडाफोन से। तो फिर आपने जो है आइडिया का नाम क्यों लिया? सर वोडाफोन आइडिया इसका पूरा नाम है। नहीं आइडिया का कंपनी तो अलग है, उसका सिम पीला होता है और वोडाफोन का जो है लाल होता है। सर पहले वोडाफोन अलग था आइडिया अलग था लेकिन इस समय दोनों एक हो चुके हैं काफी दिनों से। इसका नाम जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी हो गया है। अच्छा तो अब ये बताइए कि कौन सा कलर का सिम आएगा? सर आपको जैसा सिम मिला है वैसा ही फिलहाल मिलेगा आपको सिम। लाल और पीला मिक्स नहीं करोगे? नहीं सर अभी लाल और पीला मिक्स नहीं कर रहे हैं, लाल अपनी जगह रहेगा और पीला अपनी जगह रहेगा। तो आइडिया और वोडाफोन एक हो गए हैं, अगर हमको कोई समस्या हो तो हम किस वाले पर जाएं, आइडिया वाले कि वोडाफोन वाले पर? आपको आइडिया के लिए आइडिया में जाना पड़ेगा और वोडाफोन के लिए आपको वोडाफोन में ही जाना पड़ेगा। तो सर ये दोनों मिक्स कैसे हुए, कौन सी बात हुई सर कि लाल वाला लाल पे जाएगा पीला वाला पीले पे जाएगा हा? और हम दोनों भाई भाई, ये तो वही बात हो गई सर कि हम दोनों प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं हो सकती। सर फायदा तो तब होना चाहिए था ना कि लाल वाले को कोई दिक्कत हो तो पीले वाले पे चले जाए और पीले वाला को कोई दिक्कत हो तो लाल वाले पे चले जाए, इससे पब्लिक को सुविधा होगी। सर मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा। ठीक है सर मैं इस बारे में देखूंगा। ये सर लाल पीले का भेदभाव खत्म करिए ना, अगर पीला वाला लाल पे जा रहा है तो उसको पूरी सर्विस मिले। ठीक है सर। चलिए बताइए आपने मुझे फोन क्यों किया? सर मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि मैं आपको जो नया प्लान आया है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। हम सब घर से काम कर रहे हैं और जो 999 का प्लान आया हुआ है वो सबसे ज्यादा डेटा देता है, 150 GB डेटा। तो क्या करेंगे सर 150 GB डाटा क्या करेंगे, खाएंगे? सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी क्या है आपको पता है, इस समय राशन की जरूरत है हमको भी हमारे पड़ोसियों को भी, कुछ सस्ता करिए सर। 150 GB दे रहे हैं, 999 का प्लान बता रहे हैं। ठीक है सर मैं इसके बारे में सोचूंगा। सर मैं भी 70 दिन से घर बैठा हूँ बेरोजगार और आप मुझे प्लान डबल करके बता रहे हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर सैलरी भी नहीं मिली है, वैसे तो पेपर में दिया है कि सरकार बोल रही है कि सैलरी मिलेगी लेकिन मिली नहीं है। सर अगर मिल जाएगी तो आपका प्लान मैं खरीद लूंगा। जी सर जी। चलिए सर टाइम पास नहीं हो रहा था, आपने मुझे फ़ोन किया मेरा टाइम पास हो गया और ये मैं जो ना 5 मिनट कोई बात करता है तो मैं उससे 10 मिनट बात करता हूँ, उसका हाल चाल लेता हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है बढ़िया है सर एकदम। सर आप जैसे लोगों की वजह से हमारा भी टाइम पास हो जाता है, कॉलिंग आती रहती है, बात होता रहता है। चलिए सर कुछ तो काम आए हम आपके। सर आपका टाइम कैसे पास होता होगा, कॉलिंग करके लोगों से टाइम पास कर लेते होंगे आप? जी जी बिल्कुल। आप ना मुझे रोज कॉल करके नया प्लान बताते रहिएगा। ठीक है सर आपको हम नया प्लान बिल्कुल बताएंगे। लूं या ना लूं मैं तो अरे मेरी बात पूरा सुनिए, मैं लूं या ना लूं ये अलग बात है। जी सर जी। आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। तो सर बिल्कुल। सर ये जो लाल पीले वाला जो मैंने आपको बोला है ना, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। तो सर बिल्कुल। ठीक है सर कोई नया प्लान आएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम रखते हैं। सर रखिए। कुछ लोग भैया ऐसे हैं कि बिना मतलब कि आपके फोन करके ऑफर पे ऑफर देंगे। अब इनको देखिए 1000 का प्लान दे रहे हैं भैया, 500 का रिचार्ज तो हम करवा नहीं पा रहे हैं, अब 1000 का इनका नया प्लान है, अब उसको हम कैसे रिचार्ज करवा लें? घर बैठे हैं 70 दिन से, समझ में नहीं आ रहा है, फोन करके हमको बता रहे हैं कि 1000 का प्लान आया है और हम बोल रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी से, बताइए हमको चूतिया समझ में।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कोई कंपनी नहीं है। अगर ऐसे फोन आपको आते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क होकर उनसे बात करें।